हेलो एवरीवन, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो हमारी सीरीज है उसकी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेलीग्राम के ऊपर क्वेरी कर रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि हर इंडिविजुअल क्वेरी का इसके अंदर आंसर किया जाए। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो, ताकि जो वीडियो है उसके थ्रू आप सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके कंसर्निंग चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था वो ये था कि क्या क्या चीजें इसमें कवर करी जा रही है। देखिए, अगर आप सीरीज के अंदर जाकर देखेंगे भी सही तो वहां पर भी मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई है। तो इसके अंदर हम एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर्स को इंक्लूड करें, तो बेसिकली सारी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। जो आपके बेसिक बुक्स रहती है, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस है, देन आर्ट एंड कल्चर की है बुक आपकी, तो ये सभी बुक्स को हम कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स जो है ये आपका पैरेलली चलेगा स्टैटिक से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स जो है करंट के ऊपर काफी ध्यान देते हैं और उसकी वजह से स्टैटिक छूट जाता है। तो यहां पर कोशिश करी जा रही है कि दोनों को ही हम पैरेलल चलाएंगे, जो टाइम है वो दोनों के बीच में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको एमसीक्यू क्विजेस जो होते हैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे, तो अराउंड 3 to 4 क्विजेस, मतलब 30 to 40 क्वेश्चंस जो है एवरीडे बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब तक एग्जाम आता है इन 200 दिनों के अंदर आप कितने एमसीक्यू यहाँ पे क्विजेस जो है वो कर चुके होंगे, आप ऑन एन एवरेज 7 to 8 thousand क्वेश्चन जो है वो कर चुके होंगे। इन 3 to 4 क्विजेस के अलावा बीच बीच में मॉक टेस्ट और आपके जो मैराथन सेशंस होंगे वो भी होंगे, जहां पर आपको एक ही बारी में मैराथन सेशन के अंदर 200-200 क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल इन 200 दिनों के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके होंगे, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज को आप सोल्व कर चुके होंगे। तो ये चीज भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद तो एग्जाम जो है उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, किस स्ट्रेटजी से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कॉमन सेंस होती है वो कहां पे यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर, नॉलेज कहां पे यूज करनी है, ये सब चीजें आप सीख चुके होंगे। देन इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं। देन पीडीएफ नोट्स के अलावा जो कि आपके रिविजन में काफी हेल्प करेंगे, एमसीक्यू के वीडियो लेक्चर्स में, तो देयर आर क्लास लेक्चर्स जो हम करने वाले हैं। क्लास लेक्चर्स में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं विद एग्जांपल्स वो डिस्कस किए जाते हैं, और एमसीक्यू वीडियो लेक्चर्स जैसे आप हमारे देखते हुए आ रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को हम बुक के तरीके से तो करेंगे ही, मतलब जो सब्जेक्ट का टॉपिक होता है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही अपने क्लास लेक्चर्स के अंदर, लेकिन उसी लेक्चर के ऊपर जो एमसीक्यूज बन सकते हैं और उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है उसके लिए भी यहाँ पे वीडियोस अलग से डाले गए हैं। आपको माइंड मैप्स भी इसके अंदर मिलेंगे, जहां पर भी हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहां पे माइंड मैप्स बनाना जरूरी है, वो चीज भी इसमें कवर करी गई है। मैराथन सेशन भी आपके बीच बीच में रहेंगे, जहां पर एक ही सेशन के अंदर आप काफी सारी चीजें कवर कर ले। मॉक टेस्ट भी आपके यहाँ पर इंटरमीडिएटली कराए जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो है मेन्स आंसर राइटिंग, जो कि आपकी डेली बेसिस पे कराई जाने वाली है, जहां पे डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो मैं खुद ही इवेल्युएट करूंगा उसका आंसर और आपको फीडबैक दूंगा। देन जो वैलिडिटी है वो 2 साल की यहां पे रहने वाली है, तो मुझसे जो आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो आपको कॉन्टिन्यूसली 2 साल तक मिल सकती है। तो आपको चाहे प्रीलिम्स को लेकर कोई डाउट हो, मेंस को लेकर डाउट हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन सेट अ टाइम जब आप मुझसे कॉल पे बात कर सके। तो बेसिकली हम कवर क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो सारी एनसीईआरटी जो है वो हम यहां पर करेंगे। 6th to 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसके अंदर से जो हमारी एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसे अभी हमने शुरुआत करी है वो हिस्ट्री की एनसीईआरटी से करी है। देन बेसिक बुक्स की बात करें तो इसमें आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी की बुक को कवर किया जाएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को। काफी सारे लोगों ने ये सीरीज तो हमारी देखी रखी है। इसमें जो एमसीक्यू की सीरीज है देखिए वो तो अलग है, वो तो इसमें होगी ही होगी, साथ में ही क्लास लेक्चर्स होने वाले हैं जिसमें टॉपिक्स जो होते हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, उनको विद एग्जाम्पल समझाया जाएगा, और उन क्लास लेक्चर वीडियोस के बाद आप जो इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू और स्पेक्ट्रम थ्रू एमसीक्यू के वीडियोस हैं वो वीडियोस आपके अलग से रहेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, क्लास लेक्चर और जब एमसीक्यू थ्रू वीडियोस आप देखेंगे तो जो अंडरस्टैंडिंग है एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल, एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाएगी। आपका जो डैशबोर्ड दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप चाहें तो यहाँ पे सैम्पल वीडियोज हैं वो जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको D1 में जाना है, D1 को ओपन करना है, एंड देन आपके सामने आएगा असाइनमेंट, और नंबर ऑफ असाइनमेंट जो होंगे वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इस तरीके से Day 2 में असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, Day 3, Day 4, सो ऑन अप टू Day 200। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीडे बेसिस पे वी आर एडिंग न्यू लेक्चर्स और न्यू टेस्ट जो है इसके अंदर एड करे जा रहे हैं, तो ये नंबर जो है इट विल कीप ऑन वेरिंग, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसमें नए नए एडिशन जो है एवरीडे बेसिस पे, नए नए लेक्चर्स और नए नए क्विजेस जो है, नए नए मेंस के असाइनमेंट, माइंड मैप्स, ये सब चीजें ऐड करी जा रही है। देन यू विल ऑल्सो गेट ऑन डिमांड एंड स्ट्रेटेजी वीडियोस। जैसे कि अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने कहा कि उनको मेन्स के जो डेली बेसिस पे आंसर लिखने होते हैं उसको लिखने में परेशानी हो रही है। सो ये जो चीज थी काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पूछ भी रहे थे, तो इसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो
और वो मैं आपके डैशबोर्ड के ऊपर अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपके ऑन डिमांड जो वीडियोस रहते हैं वो वाली चीज भी आपकी कंप्लीट हो जाए। जहां पर आपको स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है उसके ऊपर या तो आप जो है गाइडेंस के थ्रू फोन पे बात करके उस चीज को सॉल्व करा ले, या फिर दूसरा जो एरिया होता है वो ये होता है कि आई विल मेक अ वीडियो जिससे कि सारे लोगों के लिए वो चीज आसान हो जाए। देन काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर इसमें कितने घंटे देने पड़ेंगे। देखिए ऑन एन एवरेज 4 से 6 घंटे, आप 5 घंटे मान के चलिए, ठीक है 5 घंटे आपको डेली बेसिस पे देने पड़ेंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों ने कहा कि मैं हाउसवाइफ हूं, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा। तो यस, यहां पे कोई आपको 16 घंटे का मटेरियल नहीं दिया गया, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि सेल्फ स्टडी जो होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लेक्चर्स और उसके अलावा मटेरियल दे दिया, उसके बाद आपको भी तो इस चीज को पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको वीडियोस दिए, पीडीएफ आपने पढ़ी, क्विजेस पढ़े, इसके अलावा जो आप अपने ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, वो चीजें आपका टाइम अलग रहने वाला है। तो आपको अपने टाइम को लेकर चिंता नहीं करनी है, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम अपनी चीजों को करने के लिए भी रहने वाला है। सो हियर यू विल हैव टू डिवोट 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटे का आप टाइम दीजिएगा, जैसे कि बाकी कोचिंग्स में होता है। तो 4 से 5 घंटे में आपका पूरे डे के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप जॉब करते हैं कहीं, या फिर हाउसवाइफ है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या फिर 24 घंटे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि आप अपने ऑप्शनल के लिए टाइम निकाल पाए और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाल पाए, तो वहां पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि 4 से 5 घंटे के अंदर आपके ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, वीडियोज जो है वो आप देख पाएंगे, पीडीएफ नोट्स को भी पढ़ पाएंगे और साथ में क्विजेस को भी सोल्व कर पाएंगे। चलिए, तो क्लास लेक्चर का एलिमेंट जो है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम बुक्स जो होती हैं उनके वेरियस टॉपिक्स को कवर करेंगे, और मैं आपको बीच बीच में ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, ये जो बाइफर्केशन है मैं आपको बताता रहूंगा। द सीरीज इज अवेलेबल फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, तो दोनों ही इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि जो लेक्चर्स हैं क्लास लेक्चर्स लेंगे, पहले आप सबसे पहले क्लास लेक्चर्स देखेंगे और वहां से आपकी फाउंडेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और फाउंडेशन क्रिएट होने के बाद आप चाहे तो पीडीएफ पढ़ सकते हैं, देन आप एमसीक्यू लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो एमसीक्यू लेक्चर्स ये जो वीडियोस हैं इनको देखने के बाद क्लास लेक्चर्स, दो तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन को गेन कर लिया, देन व्हेन यू विल सॉल्व द क्विज तो वहां पे जो आपकी परफॉर्मेंस रहने वाली है वो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपने क्लास वीडियो भी देख लिया, आपने एमसीक्यू का वीडियो भी देख लिया, तो यहाँ पे जो डबल अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस एवरीडे बेसिस पे आई एक्सपेक्ट यू टू डू, तभी ये जो क्विजेज है आपके असाइनमेंट में, डेली असाइनमेंट में मैंने कोशिश करी है कि 3 से 4 क्विजेज, मतलब 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको रोज दूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके अपनी एक हैबिट जो है एमसीक्यू उसको सोल्व करने की वो डेवलप कर सके। देन एग्जाम के अंदर सिर्फ प्रीलिम्स को क्रैक करना काफी नहीं होता, यू हैव टू क्रैक द मेंस ऑल्सो, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, तभी ये चीज ऐड करी गई है। यूजुअली जो है ये इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रोवाइड नहीं करी जाती है, तो यहाँ पे एवरीडे बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी होती है, जैसे कि एवरीडे बेसिस पे एमसीक्यू सोल्व करना काफी जरूरी होता है, उस तरीके से मेंस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस हर दिन करना जरूरी होता है। तो 150 वर्ड्स मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया आपका, यहां पर भी 250 वर्ड्स या 500 वर्ड्स नहीं लिखवा रहा हूं, सिर्फ 150 वर्ड्स मुझे आप लिख के दीजिए जो भी टॉपिक मैं आपको देता हूं, एंड आई विल इवेल्युएट इट। आप उस फीडबैक को बिल्कुल सीरियसली लीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो उस फीडबैक को इंक्लूड जरूर करिएगा। सो दिस इज ऑल्सो एडेड फीचर, जो कि कॉन्टिन्यूसली 200 दिन तक आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये एक एलिमेंट भी, एक फीचर जो है इस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर रहने वाला है। देन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर माइंड मैप्स जो होते हैं उनको काफी इजीली समझ में आते हैं, और बिल्कुल बात भी सही है, कुछ लोगों की जो मेमोरी होती है वो विजुअल मेमोरी होती है, तो उनको माइंड मैप से पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, तो माइंड मैप्स का फीचर भी जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया, जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां पे मुझे लगता है कि माइंड मैप बना के इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से ग्रैप किया जा सकता है, ज्यादा अच्छे से रिटेन किया जा सकता है, वहां पर माइंड मैप्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वेरियस सब्जेक्ट्स को लेकर। देन अनदर फीचर इज द मैराथन सेशन, सो मैराथन सेशन के अंदर आप जानते हैं, पहले वीडियोस आप देख भी चुके हैं मैराथन के, जिसमें कॉन्टिन्यूसली 5 से 6, 7, 8, 10 घंटे का वीडियो भी हो सकता है, जिसमें कॉन्टिन्यूसली पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं उनको प्रैक्टिस करिएगा पूरे महीने के, इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन जो है उसके भी हम सोच रहे हैं कि मैराथन सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाए, ताकि मंथली बेसिस पे आपकी जो रिवीजन है वो अच्छे से हो सके। सो एट प्रेजेंट जो हमारे करंट अफेयर्स के मैराथन सेशंस है, यू आर एबल टू वॉच देम, वो आप पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स होते हैं वो
एक मैराथन सेशन से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मेथड होता है, रिवीजन भी आपकी हो जाती है और पूरी जो प्रैक्टिस होती है वो भी इसके अंदर आपकी हो जाती है। देन टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट जो है वो भी दिए जाएंगे ताकि आप इवेल्युएट कर सके अपने आप को कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, बिकॉज पूरे एग्जाम के जो पूरा हमारा प्रोसेस रहता है उसके अंदर इवेल्युएशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम टू टाइम अपने आपको इवेल्युएशन करना जरूरी होता है क्योंकि चीजें हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, कितना ग्रेस्प कर पा रहे हैं वो जाना भी जरूरी होता है। तो इसी वजह से बीच बीच में मॉक टेस्ट जो होंगे वो भी कराए जाएंगे। अप्रॉक्सिमेटली 30 मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे होने वाले हैं ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सके और उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपने आप को इंप्रूव भी कर सके। सो दीज 11 पॉइंट्स जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स यहाँ पे बताए, 11 फीचर्स जो है इस पूरे यूपीएससी क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज की सीरीज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू कैन चेक इट आउट ऑन exam.netmock.com, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप @prince__ जरूर लगाइएगा लूथरा LUTHRA prince_luthra पे मुझे आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं। आई डायरेक्टली रिप्लाई टू यू जो भी आपका डाउट होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि 99.9% डाउट्स आपके इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है यू कैन अप्रोच मी हियर। आप exam.netmock.com पे भी जा सकते हैं और चाहे तो हमें netmockis@gmail.com के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद सम मोर इन्फॉर्मेशन। हैव अ नाइस डे।